वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बताने वाला हूं, जिसे हम ऑटो ट्यूनिंग बोलते हैं। ऑटो ट्यूनिंग के लिए बहुत सारे प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं मार्केट में, जैसे कि एंटेरेस है, तो उसे आप परचेज कर सकते हैं, या फिर अगर आप फ्री में इस पर काम करना चाहें तो एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है जी स्नैप, जो कि फ्री में अवेलेबल है। उसे आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं www.gvst.co.uk। यहां पे अगर आप जाएंगे gsnap.htm, तो यहां पे आपको डाउनलोड जी स्नैप का ऑप्शन आएगा। 32 या 64 बिट यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाउनलोड फोल्डर में जाएगा। डाउनलोड फोल्डर से आप इसको कॉपी करके और आपका जो प्लगइन्स है FL Studio के लिए, जो है C प्रोग्राम फाइल्स, इमेज लाइन, FL Studio 12 प्लगइन, VST, जहाँ पे VST आपके होते हैं, तो यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद आप ऐड में जाके रिफ्रेश प्लगइन लिस्ट अगर करेंगे, इस तरीके से आपका प्लगइन के लिस्ट में शो करेगा, और इसे आप मिक्सर के किसी भी ट्रैक पे ड्रैग करके डाल सकते हैं इस तरीके से, और ये आपका अवेलेबल हो जाएगा। आप एक्चुअली ये ऑटो ट्यूनिंग जो होता है उसमें पिच करेक्शन हम करते हैं, तो हमारा जो वोकल है या मेलोडी है उसके ऊपर पिच करेक्शन करने से, जब हम इसको सॉफ्टवेयर के द्वारा करते हैं तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है कई जगह पे, क्योंकि हम जब सिंक करते हैं, जैसा कि मैं आपको ये सुनाऊंगा। इफेक्ट को डिसेबल कर देता हूँ मिक्सर में। यहाँ पे जो हमारा वोकल है, ये रॉ वोकल है रिकॉर्ड किया हुआ। La 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 la, eh 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 ah ah ah। तो जब हम सिंग करते हैं तो बहुत सारे नोट्स जो है वो बीच में आ जाते हैं, क्योंकि हमारा जो वोकल है या साउंड है वो एक से दूसरे नोट्स के बीच में जाने में सडनली जंप नहीं करता, जैसे कि हम पियानो रोल में या ऐसे राइट करते हैं, ऐसे वोकल जंप नहीं करते। हमारा जो सिंगिंग है वो ग्रेजुअली जंप करता है। तो उसका आप एक उदाहरण देखेंगे, अगर मैं इसको जाऊं और इसको अगर मैं एडिट करके और सेटिंग्स में जाके कन्वर्ट टू अ स्कोर एंड डम टू अगर पियानो रोल करूं, तो पियानो रोल के नोट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये बहुत सारे नोट्स हैं जो इंटरमीडिएट नोट्स जो हैं वो छोटे छोटे आ रहे हैं। इसको सुनने के लिए मैं इसको एक कोई प्लगइन दे देता हूँ। सपोज़ मैं FL कीज़ डाल देता हूँ और इसको FL कीज़ पे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, तो हम देख सकते हैं कि जब ये कन्वर्सन होता है तो जो भी नोट्स हमने लिए हैं इम्प्रॉपर तरीके से सिंगिंग में, जो कि एक्चुअली स्केल में नहीं है, वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली जब हम कन्वर्सन करते हैं, पिच को करेक्शन करने की बात करते हैं, तो ये सारे नोट्स जो हैं वो करेक्ट हो जाते हैं, या हम किसी और स्केल के ऊपर अगर चेंज करना चाहें जो हमारा ओरिजिनल स्केल नहीं है, उस स्केल के रूप में अपने सॉन्ग को मॉडिफाई करना चाहें, तो हमारे कुछ जो पिच है कुछ जगह पे वहाँ पे करेक्शन करना होता है, तो ये करेक्शन जो है ये सॉफ्टवेयर करता है, जिसके कारण थोड़ा साउंड जो है वो अलग सा लगता है। सपोज अगर मैं चाहूँ देखना कि ये जो हमारा जो सॉन्ग है, ये जो सिंग किया है हमने, ये कौन से स्केल में है, तो हमारा जो नोट्स है उसके आधार पे हम स्केल का डिसीजन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एफ ए सी यूज किया है। फिर से अगर मैं कोई शार्प नोट देखूँ यहाँ पे जो कि यूज हो रहा है, तो वो है ए शार्प यहाँ पे यूज हो रहा है, और फिर ए यूज हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे जो है डी यूज हो रहा है, ये डी शार्प। तो शार्प नोट्स होते हैं वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होते हैं आपके स्केल के डिसीजन में, तो डी शार्प, ए शार्प और ये सारे नोट्स हैं। तो अगर मैं फाइंड करना चाहूँ ये हमारा कौन सा स्केल में है, तो सिंपली मैं एक वेबसाइट पे जाऊँगा, जिस www.scales-chords.com, और इसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ आप डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी ले सकते हैं। तो इसमें मैंने अपने जितने भी नोट्स थे हमारे वो इंटर कर दिए, यहाँ से एफ़ को सिलेक्ट कर लिया, ए को सिलेक्ट कर लिया, ओके, और सी को सिलेक्ट कर लिया, ये सारे नोट्स को, डी शार्प को सिलेक्ट किया, ए शार्प को सिलेक्ट किया, और ये सब सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे फाइंड मी स्केल पे क्लिक करता हूँ अगर, तो ये पॉसिबल स्केल्स को दिखाता है मुझे। तो यहाँ से लोकोरियन, एओलियन, ये सब सारे है बहुत सारे, बट हम लोग जो मेजर और माइनर की बात करते हैं, तो यहाँ एक्चुअली ये जी माइनर है हमारा स्केल, या फिर हम इसको ए शार्प मेजर भी कह सकते हैं। जी माइनर है हमारा, नेचुरल माइनर भी जिसे बोलते हैं, तो जी माइनर हमारा स्केल है। तो अभी हम यहाँ पे
गलत तरीके से आ रहा है, बट ओके मोर और लेस ठीक ही है, हमारा जो एक क्वालिटी है वो अच्छा ही है कन्वर्सन का। इसके बाद सपोज मैं इसको पिच करेक्ट करना चाहता हूँ, जी माइनर है या ए शार्प मेजर है, तो सपोज मैंने यहाँ पे जाके तो मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, क्लोन कर लेता हूँ, और इसको डिसेबल करके यहाँ पे पियानो रोल में जाके यहाँ से मैं मेजर स्केल को सिलेक्ट कर लेता हूँ मेजर, और इसको ए शार्प के ऊपर मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से एक बार फिर से कर देता हूँ, ए शार्प के ऊपर जाएगा, लॉन्ग कर देता हूँ। ये देख रहे हैं हम, हमारा सारा ही जो ये है ये इसमें आ रहा है स्केल में, बट ये नोट जो है एक्चुअली शायद इनकरेक्टली प्लेस हो गया है। सपोज यहाँ पे जो हमारा जी स्नैप है, अभी हम इसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये तो ए शार्प मेजर है, सपोज मैंने कोई और स्केल सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे जाके वो ए शार्प पे नहीं रह के मैं अगर उसको मिनट यहाँ से देखते हैं मिलता जुलता कौन सा है, ए शार्प मेजर या जी माइनर है, तो जी मेजर अगर ले लेता हूँ, जी मेजर स्केल ले लेता हूँ, ये हमारा स्केल है जी मेजर, अभी मैंने लिया है रेफरेंस के रूप में, जो कि यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड में दिख रहा है ये शेडो के रूप में, और जो हमारा सॉन्ग है वो एक्चुअली है जी माइनर पे, बट हमने अभी मेजर स्केल बैकग्राउंड में लिया हुआ है, तो मैं देखूंगा कि कौन कौन से नोट यहाँ पे नहीं मैच हो रहे हैं। तो ये मैं ये दो नोट्स जो देख रहा हूँ, ये जो डी शार्प है, ये डी शार्प वाले नोट ये मैच नहीं हो रहे हैं। ओके, तो अगर मैं ऑटो ट्यूनिंग का यूज़ करूँ इसको मैच करने के लिए तो कैसे करूँगा वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो ये जो आउट ऑफ स्केल है ऑटो ट्यूनिंग, इसको जो है यहाँ पे शिफ्ट करने की कोशिश करेगा ताकि ये स्केल में हो जाए, ऐसा हो जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं, इसको करने के लिए हम फिर से जी स्नैप पे जाएंगे, इसको इनेबल कर देंगे, और जी स्नैप के बारे में मैं थोड़ा कुछ बता दूँ, ये बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। आप एक स्केल सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी स्केल पे आप इसको ऑपरेट करना चाहें, जैसे कि इस केस में मैं इसको जी मेजर करने वाला हूँ, क्योंकि हमारा सॉन्ग जो है वो जी माइनर में है, मैं जी मेजर करता हूँ ताकि कुछ नोट्स को ये करेक्ट करेगा, माइनर को मेजर बनाएगा, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था। जी मेजर मैंने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे जो ऑप्शन है ये डिटेक्शन के ऑप्शन है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो आप 80 हर्ट्ज़ रखें, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आप 800 या उससे ज़्यादा रख सकते हैं सपोज, और यहाँ पर लिख भी सकते हैं अगर आप डबल क्लिक करें तो, सपोज मैंने 1000 दे दिया, आप मैक्सिमम 15000 तक दे सकते हैं जो भी आपका रेंज हो, बट जनरली 80 to 1000 इज़ ए गुड रेंज। गेट जो है इतना से ऊपर का जो साउंड है उसको पास करके आप प्रोसेस करेंगे, तो -50 dB जो है वो अच्छा है, एक लेवल इसको छोड़ देते हैं। स्पीड जो है हम ज़्यादा अगर रखेंगे स्पीड तो बहुत ही अच्छा नहीं आएगा साउंड, और कम रखेंगे तो भी अच्छा नहीं आएगा, स्लो हो जाएगा या बहुत फास्ट हो जाएगा, इसलिए हम मीडियम रखते हैं। आप हमेशा 10 से कम रखें या 6 से 10 के बीच में रखें, सपोज मैंने 7 या 8 रख लिया। यहाँ पे जो दो ऑप्शन है, स्नैप टू सिलेक्टेड नोट्स और स्नैप टू मीडी इनपुट, तो अभी मैं मीडी इनपुट का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है स्नैप टू सिलेक्टेड नोट्स, इसी को रहने दिया। ये तो डिटेक्शन के ऑप्शंस थे जो कि आपका साउंड जो है ऐसे डिटेक्ट होगा। उसके बाद करेक्शन क्या क्या करेंगे, तो थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड मतलब आप अपने साउंड को कितना चेंज करना चाहते हैं, 100 सेंट्स, 100 सेंट्स का मतलब होता है 1 सेमीटोन, मतलब आप 1 सेमीटोन मतलब व्हाइट और ब्लैक के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको सेमीटोन बोलते हैं, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं एक ब्लैक की और एक व्हाइट की के बीच का डिफरेंस। तो जब 100 सेंट्स हम सेलेक्ट करते हैं इसका मतलब है कि ये जो करेक्शन करेगा, तो अगर आपका नोट जो है वो ब्लैक कीज पे आ रहा है और ब्लैक कीज जो है वो आउट ऑफ स्केल है जो भी हमने सिलेक्ट किया है, तो ये ब्लैक कीज को ये नेक्स्ट व्हाइट कीज पे लाने की कोशिश करेगा ऊपर या नीचे। ये 1 सेमीटोन कहने का मतलब है कि ये करेक्शन करेगा थ्रेशोल्ड 100 सेंट्स रखने से। और अमाउंट जो है वो 100% या जितना भी आप चाहें करना वो कर सकते हैं, तो जो है उसका अमाउंट वो कम जाएगा, तो 100 रख दिया मैंने इसे, मैं पूरा ही करना चाहता हूँ। अटैक जो है उसको आप मिनिमम रखें, मतलब जिस लेवल से आपका साउंड प्रोसेसिंग शुरू होगा वो 1 मिली सेकेंड, मतलब साउंड जब इनपुट आया तो विद इन 1 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड के अंदर में ही
आप पर साउंड जो है, साउंड के ऊपर जो इफेक्ट है अप्लाई हो जाएगा। और रिलीज जो है इफेक्ट को कितने देर बाद छोड़ना है, तो इफेक्ट को हम थोड़ा सा ले सकते हैं, सपोज 50 मिली सेकेंड अगर यहाँ पर ले लेते हैं कि हम इफेक्ट को 50 मिली सेकेंड के बाद में रिलीज करेंगे तो ये भी चलेगा। आप मिनिमम भी रख सकते हैं तो भी इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा, इससे कुछ ज़्यादा डिफरेंस एक्चुअली पड़ता नहीं है। और ये जो लास्ट ऑप्शन है ये मिडी के लिए है, अगर आप मिडी कीबोर्ड अगर आपका कनेक्टेड है उसके लिए है, या आप मिडी के ऊपर काम करना चाहते हैं मिडी नोट्स के ऊपर, तो ये है पिच बेंड कितना करना चाहते हैं। अगेन 0 to 100 सेंट्स, 100 सेंट्स एक सेमीटोन होता है यहाँ भी। वाइब्रेटो है, अगर इस इफेक्ट को आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। वाइब्रेटो का स्पीड सेटिंग्स है, कैलिब्रेशन है, कैलिब्रेशन जो है वो नहीं चेंज करना चाहे क्योंकि 440 हर्ट जो है वो स्टैंडर्ड है, तो इसे आप ना चेंज करें तो अच्छा होगा। तो ये बेसिकली इसका समरी था कि ये जी स्नैप कैसे काम करता है। बेसिक सिंपल सॉफ्टवेयर है, थ्रेशोल्ड अमाउंट अटैक रिलीज ये बेसिकली अगर आप सेट कर देंगे तो ये काम करने लगेगा। तो फिलहाल मैंने इसे जो है जी मेजर पे रखा हुआ है और सॉन्ग जो है हमारा जी माइनर में है, तो अभी देखते हैं सॉन्ग के ऊपर इसका क्या इफेक्ट आता है। पहले चलते हैं हम नोट्स के ऊपर ट्राई कर लेते हैं, तो इन नोट्स को हम अभी सुनेंगे। जो है इसको एक नंबर पे डालना होगा तभी इसके ऊपर जो इफेक्ट है वो अप्लाई होगा। यहाँ आप देख रहे हैं ये जो है आउट ऑफ अ स्केल है, ये जो है क्योंकि हमारा स्केल माइनर है जो इसमें जिसमें ये सॉन्ग प्ले हो रहा है, बट हमने मेजर की ओर करेक्ट करने का दिया है जी स्नैप को, तो यहाँ पे ये करेक्शन करने की कोशिश कर रहा है। आप देख रहे हैं जहाँ भी हमारा आउट ऑफ मेजर स्केल से जहाँ भी बाहर जा रहा है जो नोट्स, उसको ये करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए साउंड थोड़ा अजीब सा आ रहा है। ये सारे नोट्स स्केल में, इसलिए इसके ऊपर कुछ खास अंतर नहीं मालूम पड़ेगा आपको। जहाँ भी स्केल के बाहर जा रहा है वहाँ पे ये कुछ काम कर रहा है। और जब एक नोट से दूसरे नोट्स के बीच में आता है तो वहाँ भी ये अपना कुछ काम करता है। एक नोट से दूसरे नोट्स के बीच में थोड़ा जो मिली सेकेंड का समय होता है ना, उस समय में भी ये अपना कुछ करेक्शन करने की कोशिश करता है। बट जब सेम नोट्स रिपीट होते हैं तब इसका कोई भी फंक्शन काम में नहीं आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तो ये था बेसिकली ये क्या काम करता है और इसको कैसे यूज़ में लाना है। चलिए मैं इसे अपने सॉन्ग पे अप्लाई करके देखता हूँ इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ला 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 ए हे 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 ए हे आ हे 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 ला 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 हे हे आ। तो अब बात यह है कि हम क्या करें कि इसमें साउंड जो है हमारा सुनने में अच्छा लगे और थोड़ा सा इफेक्टिव आ जाए, तो उसके लिए तो इसमें काफ़ी कुछ एक्सपेरिमेंट करना होगा आपको। आपको जैसा भी साउंड है उसमें आपके कौन से नोट्स हैं, आप कौन से नोट्स को किस तरफ मोड़ना चाहते हैं, तो ये काफ़ी टेक्निकल काम है। तो इसके लिए कोई रूल्स नहीं है, आप जो है एक्सपेरिमेंट करके। सपोज़ मैंने अभी यहाँ पे जी मेजर लिया हुआ है, सपोज़ मैं इसको चेंज करता हूँ, लाइडियन सेलेक्ट कर लेता हूँ, जी लाइडियन ओके, और फिर सुनता हूँ कि अभी कैसा लग रहा है। तो इस तरीके से ला 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 ए हे 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 ए हे 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 ला 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 हे हे आ। इस तरीके से आप डिफरेंट स्केल्स को सुन के जब उसको सेलेक्ट करके देखेंगे, जैसे मैं अभी बी मेजर को सेलेक्ट करके देखता हूँ, आपको अलग अलग तरीके से ये सुनाई देगा। और जहाँ भी आप जो भी सेलेक्ट करना चाहें जो अच्छा लगे आपको,
तो उसको आप नोट्स कर सकते हैं और बाद में उसको प्रोसेस करके उसको अप्लाई कर सकते हैं। ला 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 और यहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे जो भी मैं सिलेक्ट करता हूँ तो उस हिसाब से ये जो नोट्स हैं वो सिलेक्ट हो जा रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पे क्रोमेटिक एक ऑप्शन है, क्रोमेटिक को सिलेक्ट किया तो क्रोमेटिक मतलब ये सारे ही नोट्स को सिलेक्ट कर लेगा। तो वो भी करके आप देख सकते हैं। ला 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 जो क्रोमेटिक है चूंकि वहाँ पे सारे ही नोट्स सिलेक्टेड हैं इसलिए नोट करेक्शन तो यहाँ पे नहीं बनता है, बट दो नोट्स के बीच की जो गैप है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा करेक्शन आप चेंज आपको सुनाई दे रहा है यहाँ पे। तरीके से नोट्स को हमने चेंज होते हुए देखा था वो सेम चेंज आपको यहाँ भी दिखाई देगा। सपोज मैं यहाँ पे गया और मैंने पहले हमारा सॉन्ग है जी माइनर में और मैंने जी मेजर को सिलेक्ट किया हुआ था, तो सपोज मैं जी मेजर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आप देख रहे थे जो चेंज मेजर जो चेंजेस थे वो इस जगह पे थे। ला ला ला, तो ये ला ला पे देखेंगे कि वोकल भी उस तरीके से ही अफेक्टेड हो रहा है सेम वे में। ला 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 सेम वे में ये अफेक्ट करता है। और इसके लिए मैं और एक तरीका आपको बताता हूँ, अगर आप इसको कस्टमाइज़ करना चाहें किसी भी जगह पे तो आप जो है जी स्नैप को जो है यहाँ पे जाके एट ऑटोमेशन क्लिप कर सकते हैं। यहाँ पे इसका ऑटोमेशन आ गया, तो सपोज मुझे यहाँ पे थोड़ा ला 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 आप नोट को भी सेलेक्ट करना चाहें तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि लास्ट वाले जो नोट्स पर जब ये चेंज आएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तरीके से अपने स्केल को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे जाके मेरे पास लाइडियन ऑप्शंस में है, सपोज मैंने लाइडियन स्केल सेलेक्ट कर लिया और मैं इसे जी के ऊपर मैंने जी लाइडियन स्केल ले लिया है अभी फिलहाल। यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट नोट्स जो हैं अलग है स्केल से और मैं यहाँ भी मुझे सेलेक्ट करना होगा जी लाइडियन को। यहाँ पे जाके मैं जी लाइडियन को सिलेक्ट करता हूँ। ओके, इफेक्ट को सुनेंगे। तरीके से क्या कर सकता हूं मैं वोकल को सुन के यहाँ पे ला 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 ए आ तो जहां भी आपको अच्छा लगे कि जो फील आए थोड़ा सा ये यहाँ पे अच्छा लग रहा है। ओके, तो ये जो है तो ये जो हा करके आ रहा है थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा इसको सिलेक्ट कर लूँगा। ओके, और इतना ही दूर अगर मुझे रखना है तो बाकी को मैं डाउन कर दूँगा यहाँ पे डबल दो बार राइट क्लिक करके, और इसको मैं यहाँ से ऐसे डाउन कर सकता हूँ और वहाँ पे ऑन रखूँगा। तो ये तो उसका मिक्स लेवल है तो वो जो है उस जगह पे ही हाई होगा, बाकी जगह पर ये डिसेबल हो जाएगा। ओके, यहाँ अगर आप देखेंगे तो उस जगह पे ये हाईलाइट हो जाएगा, बाकी जगह पे साउंड ऐसे ही पास हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं, जहाँ भी जो भी पोर्शन आपको रखना हो तो उसको सिलेक्ट कर लिया, जहाँ पे भी अच्छा लग रहा है थोड़ा सा राइट क्लिक करके यहाँ पे डाउन कर दिया।
और थोड़ा सा कर्व रखेंगे कि ये ग्रेजुअली स्टार्ट हो, सडनली स्टार्ट नहीं हो, इस तरीके से ला ला के सुन लेंगे, और जहाँ जहाँ अच्छा लगे रखने के लिए उसको फिर से हम ऐसे कर ला सकते। ला 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 तो यहाँ पे थोड़ा अच्छा लग रहा है तो इसको रख लिया, बाकी को डाउन कर दिया। ला 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 हे आ ला 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 हे आ तो यहाँ पे ख़राब लग रहा है इसलिए इसको हम डाउन कर देंगे। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ रखना है हमें इसको रख लेंगे। ला हे आ तो ये था, इसमें ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं है, इतना हम कर सकते हैं, इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हमने देखा जी स्नैप को एफएल स्टूडियो में कैसे लोड करते हैं और कैसे इसके ऊपर काम करते हैं। इसके अलावा अगर एफएल स्टूडियो आप नहीं यूज़ करना चाहें, आपके पास ऑडासिटी हो, तो ऑडासिटी में भी ये उसी तरीके से काम करता है। यहाँ पे आपको उतने सारे ऑप्शंस नहीं हैं, आपको नोट्स के ऊपर अप्लाई करने का कोई रियल टाइम में ऑप्शन नहीं होता है यहाँ पे। तो आप जब ऑडासिटी में आपको प्लगइन्स में जाके आप इसको पेस्ट कर देते हैं जी स्नैप को उसी तरीके से। तो ये जो प्लगइन्स में पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे जाके आप इफेक्ट में जाएंगे और वो सबसे ऊपर टॉप में ऐड प्लगइन करके आता है, तो वहाँ से आप ऐड रिमूव प्लगइन्स में जाके, और यहाँ पे अगर आपको जी स्नैप मिलता है तो यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं जी स्नैप। यहाँ से इनेबल करेंगे तो फिर आपके ये इफ़ेक्ट में ऐड हो जाएगा, और यहाँ से इफ़ेक्ट में जाके सेलेक्ट कर सकते हैं, और वही सारे ऑप्शंस आपको यहाँ भी मिल जाएंगे, सेम ऑप्शंस। सपोज़ मैं जी मेजर अप्लाई करना चाहता हूँ इसके ऊपर, तो मैं यहाँ से जी मेजर को सेलेक्ट कर लूँगा और ओके करूँगा, और यहाँ पे अप्लाई सेलेक्ट करूँगा, और ये सारे प्रीसेट जो हैं उसी तरीके से 81,000 माइनस 58, ये 100 सेंट्स, 100%, 1 मिली सेकेंड, 100 मिली सेकेंड्स, जो भी है इसको सिलेक्ट करके अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो ये साउंड के ऊपर अप्लाई हो जाता है, और ये इस तरीके से आप सुन सकते हैं इसको। ला 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 और यहाँ पे अगर आप कोई पर्टिकुलर जगह पे ही ये इफेक्ट डालना चाहते हैं तो इसको पहले सुन लीजिए कहाँ कहाँ डालना है, उसके बाद फिर अंडू करके ओरिजिनल साउंड जब आ जाएगा जहाँ भी डालना चाहें उसको सेलेक्ट करके उस पोर्शन के ऊपर जो है अगर आप इफेक्ट डालेंगे, या यहाँ पे सिंपली जाके इफेक्ट में रीडू करेंगे, एडिट में भी जाके आप कर सकते हैं, उस पोर्शन के ऊपर उतना पोर्शन के ऊपर आपका अप्लाई हो जाएगा। तरीके से दोस्तों बेसिकली ये काम करता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, मैं बहुत सारे और भी ट्यूटोरियल्स फ्यूचर में डालने वाला हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।